मजदूर भाइयों और बहनों, ये आपका जो आंदोलन है उसको बधाई देने के लिए, आभार प्रदर्शित करने के लिए AITUC की तरफ से खड़ा हूं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या खतरे हैं वो आपने हमें समझाया है और इसके लिए उसका विरोध हम भी करते हैं। लेकिन जैसे मेरे पहले वक्ता MP लोग बोले कि इसका कितना भी विरोध करने के बावजूद वो जो स्टैंडिंग कमेटी है वहाँ ये पेश किया गया है, वहाँ के रिकमेंडेशन के बावजूद ये बिल वहाँ पास हो सकता है, ऐसा उनका कहना है, तो क्या किया जाए? ये जो सत्ता में बैठे हैं तो वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल उन्होंने पेश नहीं किया तब तक जो यूनियन टेरिटरीज थी पांडिचेरी चंडीगढ़, वहां उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, उनको पार्लियामेंट की कुछ नहीं पड़ी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब तक पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेबर कोड जिसके खिलाफ हम चिल्लाते रहते हैं, 4 लेबर कोड, ये अभी तक उसके रूल नहीं बने, लेकिन जितने BJP के स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वह इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। गुजरात में, UP में 12-12 घंटे की ड्यूटी शुरू हो गई। मैं आपके सामने, अगर मुझे 2 मिनट मिल जाए तो कुछ, एक PM का एक स्पीच है, अगस्त में इन्होंने एक नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस लिया तिरुपति में, नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये लेबर कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, एक के नुमाइंदे को नहीं बुलाया, लेकिन नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस चली। कौन थे वहाँ अध्यक्ष? थे लेबर मिनिस्टर, सब स्टेट के लेबर मिनिस्टर, उसकी ब्यूरोक्रेसी, लेबर कमिश्नर, ये बैठे और उसको संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर ने। क्या बोलते हैं? 2 लाइनें पढ़ता हूं। As you are aware that there have been so many labor laws in our country which existed since British rule. In the last 8 years we have taken initiative to abolish the laws from the period of slavery that reflect the slave mentality. यानी जितने कानून हमने पास करवा लिए थे जद्दोजहद कर रहे, फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, वो कहते हैं कि ये स्लेव मेंटालिटी दिखाते हैं और कहते हैं कि द कंट्री इज नाउ चेंजिंग, रिफॉर्मिंग एंड सिंप्लीफाइंग सच लेबर लॉस। कीपिंग दिस माइंड, 29 लेबर लॉज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 4 सिंपल लेबर कोड्स। विद दिस आवर लेबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विल बी फर्दर एम्पावर्ड ऑन द इश्यूज लाइक मिनिमम वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये आपका जो आंदोलन चल रहा है, अगर हम PM को यहां बुलाए कि मोदी जी हमको समझाइए, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आप पास करने निकले, इसमें हमारा कास्टकाम का क्या फायदा है बताइए? आएंगे इधर, आएंगे आपको फेस करेंगे? ये जो कहते हैं कि इन्होंने माफी मांगकर वो फार्म लॉज विड्रॉ कर लिए, इसमें उनकी चालबाजी थी, समझिए। फार्मर्स दिल्ली के बाहर 1 साल बैठे थे, बातचीत नहीं हुई। जब सामने यूपी का इलेक्शन आया तब ये चालबाज इन्होंने विड्रॉ कर लिए कि भाई वो इलेक्शन में हार न जाए, इसके लिए विड्रॉ कर रहे। जब विड्रॉ करने की बात कर रहे थे तो इनका कृषि मंत्री तोमर बोल रहा था इसको हम फिर से ला सकते हैं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसका, किसानों को विश्वासघात रैली करनी पड़ती है, इसको समझो। तो हमने तय कर लिया है, हम हमारे महाराष्ट्र में, अगर यहाँ ये पास हुआ ना हुआ, हम जितने BJP के MLA MP महाराष्ट्र में हैं उनको नोटिस देके
हमारे सामने बुलाएंगे। जैसे आप जमा हो गए ना, तो वैसा एक एक एमपी, नागपुर में उनका एमपी बैठा है नितिन गडकरी, उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे कि आपने यहाँ हाथ ऊपर किया था ना इलेक्ट्रिसिटी लॉ के लिए, सामने आ और हमें पता कि इसमें हमारे फायदे का क्या है। हम एमएलए को पूछेंगे, बताओ इसमें हमारे फायदे का क्या है। मैं आपसे अपील करता हूँ, शायद ना आए, कभी भी कहीं भी नहीं आएंगे, मुंह छुपाएंगे, चुप करके बैठेंगे, लेकिन इसका पब्लिसिटी करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आपसे अपील कर रहा हूँ कि पूरे सब राज्यों में कीजिए, इनको नंगा कीजिए लोगों के सामने, और जब इलेक्शन आएगा तब 2024 में इनको यहाँ से भगा दीजिए। ये वापस नहीं आना चाहिए, ये लेबर कोड, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये पास करके रहेंगे, ऐसा ही समझ के रहता है चलता हूँ, लेकिन उसके बाद भारत खत्म नहीं होने वाला, हम खत्म नहीं होने वाले, हम श्रमिक, हम जिंदा रहेंगे, हम चलाते रहेंगे, लेकिन वहां ये नहीं रहेंगे। इस आज का जो आपका आंदोलन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, यह सब किस्म के झंडे हैं, लाल है, तिरंगा है, यहाँ वो एलपीएफ का झंडा है, कहीं भगवा नहीं है, कहीं भगवा नहीं, नहीं आएंगे। वो ये पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं तो उनको भगाना चाहिए। 2024 के बाद ये वहां दिखने नहीं चाहिए। इतना ही अपील करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद।